नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे फार्म पर। आज बहुत दिनों बाद में मैं ये वीडियो डालने जा रहा हूँ। काफ़ी दिनों से मौका नहीं लगा था गांव में आने का, तो चलिए मैं आज आपको अपनी कैमोमाइल की नर्सरी और कैमोमाइल का खेत दिखाने वाला हूँ। और उसके साथ ही दिखाने वाला हूँ एक बहुत अच्छी चीज़ जिसका काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमने इंस्ट्रूमेंट बनवाया है, चारों तरफ से देख लीजिए। ये है कैमोमाइल तोड़ने के लिए, और अभी तक मैंने इसका ट्रायल नहीं किया है, लेकिन चलिए मैं वीडियो में लगे हाथ आपको अपने सामने ट्रायल करके दिखाऊंगा। फिलहाल मैं दो इंस्ट्रूमेंट बनवा के लाया हूं, और भी बन जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल ये ट्रायल मोड पे है। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो देखिए, जैसे ये अभी तो फूल काफ़ी कम आए हैं, और ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये मेरी नर्सरी का है। मैं इसमें आपको दिखाता हूँ, देखिए कितनी आसानी से फूल टूट रहे हैं। इसको हमने जस्ट इसमें घुसाया। अभी क्या है, हर पौधे पे तीन तीन चार चार फूल हैं, इसलिए थोड़ा सा समस्या आ सकती है, लेकिन जब घना हो जाएगा तो आसानी से होगा। अब देखिए, इसमें ये आसानी से फंस गए, और इसको मैंने पुल किया। इसके अंदर आप फूल देख सकते हैं। अब थोड़ी सी समस्या आएगी, अगर कोई समस्या ज़्यादा रही तो हम कुछ मॉडिफिकेशन करवाएंगे, अदरवाइज तो ये फूल अच्छा काम करेगा ही। ये देखिए, इस पौधे पर मैंने घुसाया और सारे फूल इसमें आ गए अंदर। अब बस इसमें एक नुकसान रहता है कि देखिए, आसानी से इसमें फूल टूट जा रहे हैं। जब यही पौधा घना होगा तो इसमें ज़्यादा अच्छे से फूल टूटेंगे। कुछ फूल बाहर जा रहे हैं, लेकिन इतना तो चलता है। ये देखिए, अब इसमें थोड़े से फूल फंस रहे हैं, लेकिन अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर काफ़ी फूल गए हुए हैं। अभी जब इसमें पौधे में घना हो जाएगा तो यही समस्या नहीं रहेगी। ये देखिए, यहाँ पौधे फूल ज़्यादा हैं, तो मैंने ऐसे घुसाया और फूल कर दिया। आप देख सकते हैं, इसमें देखिए इतने सारे फूल टूट गए। बस एक ही कमी है कि फंसे रह जा रहे हैं, और थोड़ी सी छोटी कलियाँ भी आ रही हैं। लेकिन अभी क्योंकि ज़्यादातर फूल छोटे स्टेज में हैं, तो ऐसी समस्या आएगी ही आएगी। लेकिन जब ज़्यादा फूल बड़े बड़े हो जाएंगे तो कलियों वाली समस्या कम रहेगी। और फिर आप जानते ही हैं कि इतने ज़्यादा फूल होते हैं इन पौधों में कि हम कलियों को टूटने से रोक नहीं सकते। थोड़ी कलियां टूटेंगी ही, लेकिन जो मैन पावर की समस्या है वो शायद इससे सॉल्व हो सके। तो मैंने आपको ये दिखाने के लिए वीडियो बनाया है, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। फ़िलहाल चलिए मैं आपको अपना इसका खेत दिखा दूँ। ये देखिए, ये है मेरा नर्सरी। तो वो नर्सरी से जिसमें मैं फूल तोड़ रहा था, ये मेरे वो खेत हैं जो लगाया था मैंने। अभी पौधे काफ़ी छोटे छोटे हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली फरवरी एंड तक इसमें फूल आने लगेंगे, और तब हम आपको शायद दो तीन तरह की और बनवाने वाले हैं, क्योंकि ऑर्डर दे रखा है। जब बन जाएंगे तो हम दिखाएंगे ट्रायल की कौन सी तरह का सक्सेसफुल रहेगी मशीन, और वही आगे वाले आने वाले टाइम पे ही बनवाएंगे। और अगर आपको भी चाहिए तो हम प्रोवाइड करेंगे। हमने जो फैब्रिकेटर है उससे बात की थी, ताकि वो और दे सके। अभी ये जो नर्सरी है, अभी मैंने तीन चार खेत अपने और देखे हैं जो जिनमें मैंने अश्वगंधा लगाया था, और अश्वगंधा फेल हो गया, अश्वगंधा जगह ही नहीं। और जो दूसरे बरसीम वाले खेत वगैरह हैं, उनमें हम इन्हीं पौधों को उखाड़ के अगले हफ्ते में लगाने वाले हैं। तो इसी के साथ ओके दोस्तों, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये देखिए, नन्हा आदमी ये भी तोड़ने में लगा है। तोड़ के दिखाओ। हाँ हाँ, गुड। और तोड़ो, देखो फूल आए सिर्फ। ये देखिए, जब छोटा लड़का भी तोड़ पा रहा है, हालांकि गिर गया, लेकिन हाँ, अंदर की तरफ खींचो। हाँ, ये देखिए, देखा आपने, एक बच्चा भी आसानी से तोड़ पा रहा है। हाँ, जब हम बड़े पैमाने पे तोड़ेंगे और कोई समस्या समझ में आएगी तो हम फिर इसमें थोड़ा सा और चेंजेस लाएंगे। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों, ओके, थैंक यू।